नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। धर्म केवल आस्था के बारे में नहीं होता है बल्कि मानव कल्याण के लिए, उसकी क्षमता के लिए भी होता है। यही कारण है कि अपने धार्मिक विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यक्ति का अधिकार मानव अधिकारों पर आधारित होना चाहिए। देश में जबरन धर्मांतरण को रोकने के खिलाफ कोई समग्र कानून नहीं है। संविधान के तहत देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है। हालांकि किसी भी इच्छा के खिलाफ ये जबरन धर्मांतरण करवाना अपराध है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण को बेहद गंभीर मुद्दा बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को आगे आना होगा और अभी जबरन धर्मांतरण करवाना अपराध है। उत्तराखंड एंटी कन्वर्शन लॉ। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून को और सख्त कर दिया है। अब ऐसा करने वालों को जमानत भी नहीं मिल सकेगी, साथ ही दोषी पाए जाने पर 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ जबरन धर्मांतरण जैसी चीजें हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, इसीलिए सरकार ने धर्मांतरण विरोध कानून को सख्त बनाने का फैसला लिया है। उत्तराखंड में 2018 में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया था। उसमें 1 से 5 साल की कैद और SC/ST के मामले में 2 से 7 साल की कैद की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब नए कानून में 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। क्या है नए कानून में? नया कानून पुराने से ज्यादा सख्त है। नए कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति जबरन लालच देकर या धोखे से किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो दोषी पाए जाने पर 3 से 10 साल तक की कैद हो सकती है। इसके अलावा दोषी को 50,000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। नए कानून में पीड़ित के लिए भी मुआवजे का प्रावधान है। नया कानून कहता है कि जबरन धर्मांतरण करने वाले को कम से कम 5 लाख रुपए पीड़ित को देने होंगे। किन किन राज्य में है धर्मांतरण विरोधी कानून, आइए जानते हैं। पहला राज्य है ओडिशा, जहां जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून आया था। यहां 1967 से इसे लेकर कानून है। जबरन धर्मांतरण पर 1 साल की कैद और 5,000 रुपए की सजा हो सकती है। वहीं SC/ST के मामले में 2 साल तक की कैद और 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, यहाँ 1968 में कानून लाया गया था। 2021 में इसमें संशोधन किया गया। इसके बाद लालच देकर, धमका कर, धोखे से या जबरन धर्मांतरण कराया जाता है तो 1 से 10 साल तक की कैद और 1 लाख तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। तीसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ओडिशा और MP की तर्ज पर यहाँ 1978 में कानून लाया गया था। कानून के तहत जबरन धर्मांतरण कराने पर 2 साल तक की कैद और 10,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। चौथा राज्य है छत्तीसगढ़। 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद यहाँ 1968 वाला कानून लागू हुआ। बाद में इसमें संशोधन किया गया। जबरन धर्मांतरण करने पर 3 साल की कैद और 20,000 रुपए का जुर्माना, जबकि नाबालिग या SC/ST के मामले में 4 साल की कैद और 40,000 रुपए जुर्माना की सजा का प्रावधान है। पांचवा राज्य है गुजरात, यहाँ 2003 से कानून है। 2021 में इसमें संशोधन किया गया था। बहला फुसलाकर या धमका कर जबरन धर्मांतरण कराने पर 5 साल की कैद और 2 लाख रुपए जुर्माना, जबकि SC/ST और नाबालिग के मामले में 7 साल की कैद और 3 लाख रुपए की जुर्माना की सजा है। छठा राज्य झारखंड, यहाँ 2017 में कानून आया था। इसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 3 साल की कैद और 50,000 रुपए की जुर्माना की सजा हो सकती है। वहीं SC/ST के मामले में 4 साल की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। सातवां राज्य हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड की तर्ज पर ही 2019 में यहां कानून लाया गया था और यहां भी 1 से 5 साल तक की कैद और SC/ST के मामले में 2 से 7 साल तक की कैद हो सकती है। जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। आठवां और आखिरी राज्य उत्तर प्रदेश। 2020 में योगी सरकार जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लेकर आई थी।
इसके तहत 1 से 5 साल तक की कैद और 15,000 रुपये जुर्माना और SC/ST के मामले में 2 से 10 साल तक की कैद और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। तो आज के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्ट लाइव। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।